पिछले 28 सालों से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका कमा रही सीता देवी ने अपनी अलग पहचान बनाई है। हमीरपुर जिला के नडियाना सडियाना गांव की निवासी सीता देवी ने स्वयं सहायता समूह के जरिए न केवल हमीरपुर को प्रदेश में पहला स्थान दिलाया है, बल्कि अब तक 500 से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ा है। वहीं सीता देवी स्वयं सहायता समूहों के बनाए गए उत्पादों को बेचकर महीने में 15 से 20 हजार रूपए की आमदन से आर्थिकी को सुदृढ़ बना रही है। गौरतलब है कि मनु स्वयं सहायता समूह नडियाना सडियाना के द्वारा लंबे समय से महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने का काम किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा बढ़िया अचार, चटनी, सेविया के अलावा हाथों से निर्मित गर्म कपड़े, सजावट का सामान तैयार किया जाता है, जिन्हें लोग भी बड़े चाव से खरीदते हैं। यही नहीं, सीता देवी को वर्ष 1998 में हमीरपुर का सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह होने का इनाम भी मिला है। सीता देवी ने बताया कि सरकार के सहयोग से दो बार मदद मिली है और इस कारण ही अब उत्पादों को बेचने के लिए ब्लॉक के द्वारा दी गई दुकान में हाथों से बनाए गए प्रोडक्टों को बेचती हूं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को अचार, चटनी, सेवियां इत्यादि बनाने के लिए प्रेरित करती हूं, ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें। सीता देवी ने कहा कि महिलाओं को फ्री नहीं रहना चाहिए और समय की कदर को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है। स्थानीय महिला कौर ने बताया कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा बढ़िया सामान बेचा जाता है और सभी प्रकार के घरेलू निर्मित उत्पाद यहां पर मिलते हैं। हमीरपुर रियासतों के समय से ही हमीरपुर जिला के नादौन कस्बे का अपना इतिहास रहा है और नादौन कस्बे के बीचों बीच सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये गुरुद्वारा उस जगह पर बनाया हुआ है जहां पर गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को हराया था और 500 सिख सैनिकों के साथ जंग जीती थी। सिखों के पवित्र ग्रंथ में मुगलों की लड़ाई का जिक्र किया गया है। आज भी गुरुद्वारा के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के समय का नगाड़ा भी मौजूद है। जिसे बजाकर सैकड़ों साल पहले लोगों को युद्ध के प्रति आगाह किया जाता था। नादौन गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी सिमरन सिंह ने बताया कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहां आकर 1747 संवत के युद्ध में अलप खान को पराजित कर फतेह हासिल की थी और नादौन में गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध के बाद करीब 8 से 10 दिन का विश्राम किया, जहां पर आज भव्य गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि इस गुरुद्वारे में जो भी सच्चे मन से अरदास करे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं फरवरी माह में फतेह दिवस के दौरान गुरुद्वारे में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों संगतें नतमस्तक होती हैं और गुरुघर की खुशियां प्राप्त करती हैं। बेहिं गुरुद्वारे में मौजूद संगत का कहना है कि इस गुरुद्वारे में एक ऐतिहासिक नगाड़ा भी मौजूद है, जिसे रणजीत सिंह द्वारा युद्ध में तैयार रहने के लिए ग्रामीणों को आगाह किया जाता था। सेना के लिए व्यवस्था इत्यादि का प्रबंध किया जाए। इस ऐतिहासिक नगाड़े के माध्यम से किसी भी खतरे की सूचना ग्रामीणों को दी जाती थी। आज भी इस नगाड़े को नादौन के इस गुरुद्वारे में देखा जा सकता है। वहीं इतिहासकार राकेश शर्मा की माने तो नादौन शहर का इतिहास धार्मिक दृष्टि से रोचक रहा है। उन्होंने बताया कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध के दौरान नादौन शहर से धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में सच्चे मन से नतमस्तक होने से भी सभी की मुरादें पूरी होती हैं।